मित्रों, समय और शब्दों के प्रयोग में कभी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये दोनों कभी वापस नहीं आते हैं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे ए नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। आज हम ए नाम वाले लोगों के 3 महीने के यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप ए नाम वाले लोगों के 3 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के ए लेटर से शुरू होता है या आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के ए लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ए नाम वाले लोग अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हमेशा काफ़ी तेज होते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र जरूर होता है, लेकिन दिल बहुत अच्छा होता है और कई बार उग्र स्वभाव के कारण कभी कभार ये लोग ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो इन्हीं पर भारी पड़ जाता है। बहुत ही साहसी लोग होते हैं, मेहनती और धैर्यवान लोग होते हैं, मानसिक शक्ति भी काफ़ी मजबूत होती है। ये लोग हर बात में सबसे ऊपर रहना पसंद करते हैं और अपनी समस्याओं का हल भी स्वयं ही निकालना पसंद करते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी होती है, नेतृत्व करना अच्छे से आता है और कोई भी कार्य हो उसको जल्दबाजी में समाप्त करना चाहते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, भाग्य से ज़्यादा कर्म पर इनको विश्वास होता है। अपने बनाए हुए नियमों पर ही जीवन चलाते हैं, गजब का आत्मविश्वास होता है और अगर आपने कभी कोई इनकी सहायता कर दी तो ये आपको कभी नहीं भूलेंगे। आपका उपकार सदैव याद रखने वाले लोग होते हैं। अब राशिफल की चर्चा करते हैं। राशिफल में सबसे पहले हम शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा की बात करें तो आपके लिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो समय रहेगा वो मिले जुले परिणाम दिखाएगा। अक्टूबर के महीने में शिक्षा में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। देश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो अक्टूबर का महीना बेहतर है। नवंबर के महीने में अगर कोई गूढ़ रहस्य वगैरह अध्ययन कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए अच्छा रहेगा। सामान्य लोगों के लिए थोड़ी सी एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी। दिसंबर का महीना काफ़ी बेहतर रहेगा। दिसंबर के महीने में चाहे आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, चाहे सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, आपको शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप पढ़ाई में अच्छा कर पाएंगे और शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यापार, कारोबार, नौकरी है तो वहाँ पर भी आप बेहतर करते हुए नजर आएंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए 3 महीने अच्छे रहने वाले हैं। अक्टूबर का महीना काफ़ी बेहतर रहेगा। नवंबर के महीने में भी परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी लेकिन खर्चों की अधिकता काफ़ी ज़्यादा नवंबर के महीने में बनी रहेगी। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो 3 महीने हैं यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी में किसी भी प्रकार का व्यापार, कारोबार, नौकरी है वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो लोग गवर्नमेंट नौकरी में हैं, प्रशासनिक पदों पर हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और नौकरी के सिलसिले में ही आपको विदेश की यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है और ये यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। व्यापार, कारोबार में भी जो यात्रा आपकी इन 3 महीनों में होगी वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये आपकी यात्रा लंबी दूरी की भी हो सकती है या फिर विदेश की यात्रा भी हो सकती है और परिणाम भी वहां पर आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी में थोड़ा सा खर्चों की अधिकता रह सकती है, खासकर नवंबर के महीने में। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। व्यापार, कारोबार, नौकरी के लिए 3 महीने बेहतर रहने वाले हैं। बात करें धन की बात करें तो धन के मामले में भी आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अक्टूबर का महीना काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा। नवंबर के महीने में खर्चों की अधिकता बनी रहेगी जिसको लेकर आप परेशान हो सकते हैं और दिसंबर का महीना भी बेहतर रहने वाला है। तो धन और आय के मामले में जो भी आप व्यापार, कारोबार, नौकरी करते हैं वहां से आपकी आय तो नियमित स्रोतों से होगी, लेकिन वहां पर अगर हम देखें तो आपको अक्टूबर और दिसंबर के महीने में उतनी खर्चों की अधिकता नहीं रहेगी और इन 3 महीनों में अक्टूबर का महीना ज़्यादा अच्छा रहेगा और आय आपकी 3 महीने में होती रहेगी। धन का आवागमन आपका सुचारू रूप से जारी रहेगा लेकिन नवंबर के महीने में खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, वहां पर खर्चों की अधिकता देखने को मिल सकती है। आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपको मिले जुले परिणाम दिखाएंगे और यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अच्छा महीना जो रहेगा वो अक्टूबर का महीना रहेगा। अक्टूबर के महीने में ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे प्रेम संबंधों में।
नवंबर के महीने में उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। वहां पर छोटी छोटी बातों को लेकर प्रेम संबंधों में वाद विवाद हो सकते हैं, बहस हो सकती है, क्रोध के चलते वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन रोमांटिक समय रहेगा। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय प्रेम संबंधों में रोमांस लाएगा, रोमांटिक समय रहेगा, मुलाकातें रहेंगी, लेकिन छोटी मोटी बातों के चलते वाद विवाद हो सकते हैं। खासकर नवंबर के महीने में आपको अपने साथी के साथ अहम से बचना है, क्रोध से बचना है, वरना वहां पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में जिनके प्रेम संबंध पहले से हैं, वो अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अक्टूबर के महीने में आप अपने साथी को भी मना सकते हैं, अपने परिवार वालों को भी मना सकते हैं और शादी करने की योजना बना सकते हैं, वहां पर आपको सफलता भी मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों के मामले में अक्टूबर और दिसंबर का महीना ज्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा, वहां पर आपको ज्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। नवंबर के महीने में उतने अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है, उसे आप अक्टूबर के महीने में समाप्त करने का प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं और वैवाहिक संबंधों के लिए तीनों महीने बेहतर रहेंगे। आप अपने साथी के साथ समय भी बिताएंगे और आपके संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी। लेकिन नवंबर के महीने में किसी भी प्रकार के बहस से बचकर रहें अपने जीवन साथी के साथ, और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी नवंबर के महीने में ध्यान रखकर चलना आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर ये तीनों महीने आपको अच्छे परिणाम दिखाएंगे। नवंबर और दिसंबर का महीना पारिवारिक जीवन के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, अक्टूबर के महीने में उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। परिवार में संपत्ति को लेकर अगर कोई वाद विवाद है तो वहाँ पर ज़्यादा बातें ना करें, क्योंकि वहाँ पर वाद विवाद बढ़ सकते हैं, खासकर अक्टूबर के महीने में। और नवंबर और दिसंबर अच्छे परिणाम दिखाएंगे और पारिवारिक जीवन में कोई भी अगर वाद विवाद है तो उसे आप नवंबर और दिसंबर के महीने में समाप्त कर सकते हैं, खासकर दिसंबर का महीना ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में तीनों महीने आपको ध्यान रखकर चलना होगा, और अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। वहाँ पर अगर स्वास्थ्य में कोई समस्याएं होती हैं तो बिल्कुल भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सावधानी रखें स्वास्थ्य के प्रति। और अगर नवंबर और दिसंबर की बात करें तो वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। अक्टूबर के महीने में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है उसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा, और नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के समय में कोई ना कोई खर्च आपको परेशान कर सकता है, आपके स्वास्थ्य को लेकर या फिर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर। तो थोड़ा सा आप ध्यान कर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी ना होने दें। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें, रोजाना करें। रोजाना नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार और शनिवार को करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के सामने ही बैठकर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बूंदी तो मित्रों, आज मैंने आपसे ए नाम वाले लोगों के अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के राशिफल के बारे में चर्चा की। ये ए नाम वाले लोगों का 3 महीने का राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।